दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने कपड़े के दो पीस लिए हैं। एक लिया है 25 इंचेस का लंबाई इसकी, और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 17 इंच। ये देखिए, तो सेम नाप के मैंने दो पीस लिए हैं। साथ ही मैंने लिया है राइस बैग का एक पीस, इनके बराबर ही कट कर लेना है उसको। ये देखिए, एक पीस राइस बैग का ले लिया। राइस बैग का नहीं है तो आटा बैग से भी आप ले सकते हैं इसको। थोड़ी थिकनेस चाहिए उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए, पॉकेट बनाने के लिए भी मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए एक पीस कट कर ले रही हूँ। इसे मैं डबल करके यूज करूँगी इस तरीके से, इसे मैं पॉकेट बनाऊँगी। और इसको थिकनेस देने के लिए भी मैंने एक पीस कट करके रखा है राइस बैग का, जिसे इसके अंदर लगाना है। और इस तरीके से मैं सिलाई मशीन का एक कवर बना करके आपको दिखाने वाली हूँ। इसे मैंने लंबाई वाली साइड में स्टिच कर दिया है दोनों तरफ से। इसके बाद लेना है राइस बैग का पीस जो लिया था, उसको इस तरीके से डबल करके फोल्ड कर रही हूँ। अंदर जाके इसे ओपन करके चारों कॉर्नर्स पर फैला दूँगी इसको, जिससे कि इसको थिकनेस मिल जाएगी, शेप मिल जाएगी। और इसके बाद ये जो आमने सामने के दोनों साइड्स हैं, यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगा करके भी इसे क्लोज करना है। इसकी चारों साइड जो है हमने स्टिच कर ली हैं। तो मैं इस तरह से सिलाई मशीन का एक इंस्टेंट कवर बना करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कवर नहीं है तो आप इस तरह से बहुत जल्दी से बन जाने वाला कवर बना सकते हैं। कोई भी कपड़ा ले सकते हैं इसके लिए। तो मैंने इसको नाप लिया था लंबाई चौड़ाई कितनी चाहिए होगी इसमें। और ये देखिए, पॉकेट का पार्ट है, इसके अंदर भी मैंने राइस बैग का पीस लगाया है और इसे भी स्टिच कर लिया है थ्री साइड से। तो इसे भी साइड में रख देंगे और उसके बाद इसमें लगानी है पाइपिंग। तो दोनों पीसेस तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो लंबाई की तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ इसमें। ये 3-3 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है, पूरी लाइंस बना ली हैं और उस लाइन के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है इस तरीके से, जिससे कि राइस बैग और ये जो फैब्रिक है दोनों अच्छे से अटैच हो गए। इसके बाद मैंने डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया है पाइपिंग के लिए। डबल करते हुए इसको मैं रॉन्ग साइड से लगा रही हूँ और जो फ्रंट साइड इसका है उसकी तरफ मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरे पीस के ऊपर उसको लगा लेना है। और इसके बाद ये जो पॉकेट का पार्ट है, इस पर भी हमने पाइपिंग लगा दी है एक साइड में। ये देखिए, इस तरीके से ये भी तैयार हो गया है। इसे हमने इसके साथ में अटैच कर दिया है। ये देखिए, सिर्फ नीचे की साइड में मैंने सिलाई लगा दी है इसके, और उसके बाद बाकी की सिलाई हम पाइपिंग से ही लगा देंगे। ये देखिए, बाकी का हिस्सा पाइपिंग के अंदर आ जाएगा। तो आप इसे अगर पाइपिंग लगाने से पहले तीनों साइड में स्टिच करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, तो ये इसका फ्रंट साइड है और इधर मैं पाइपिंग को फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। और उसी साइड में हमने पॉकेट लगाई है। तो पाइपिंग मैंने काफ़ी थिक रखी है, तो ये बॉर्डर जैसा लग रहा है। कॉर्नर से फोल्ड करते जाना है और इस तरीके से पूरा पीस तैयार कर लेना है। तो ये जो पॉकेट का पार्ट है, इसे भी हम इस तरीके से सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद पॉकेट के मैं टू पार्ट्स कर रही हूँ, आप चाहें तो थ्री पार्ट्स कर सकते हैं। तो सेंटर में सिलाई लगा करके पॉकेट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। मैंने पॉकेट्स एक ही साइड में लगाई है, आप चाहें तो दोनों साइड्स में पॉकेट लगा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा सामान स्टोर करना है इसमें तो। और इसके बाद मैंने ये थोड़ी सी
ये स्टेप्स मैंने ले ली हैं, इनको सिलाई लगा दी है, तो 4 स्टेप्स ली हैं। ये देखिए कटिंग कर दी है किनारों से फिनिशिंग देते हुए, और इस तरीके से जहाँ पर मैंने पॉकेट लगाई है उतनी ही हाइट पर मैंने इसको लगा दिया है दोनों साइडों में। ये देखिए ये बराबर साइड में, ये देखिए पॉकेट्स में के पास से मैंने इसको लगा दिया है स्टिप्स को। और ये देखिए इस तरीके से बांध सकते हैं हम इसको, जैसे कि पंखा वगैरह आप चलाएंगे तो ये उड़ेगा नहीं और फिक्स रहेगा अपनी जगह पर। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की मशीन में इसको लगाया है। आप हाथ से मशीन चलाते हैं तो उसमें भी इसको लगा सकते हैं, इस कवर से उसको भी कवर किया जा सकता है। और ये पैडल वाली मशीन है तो इसमें भी आप इसे लगा करके इस तरीके से अपनी मशीन को सेफ रख सकते हैं, और इसे लगाना और हटाना बहुत ही ईजी है। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।